नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की झारखंड इकाई की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। विगत कई महीनों से हम सब लगातार अपनी पेंशन के मुद्दे को लेकर के संघर्षरत रहे हैं। हमारी मांगों को सरकार ने भी गंभीरता से लिया। कई चीजें हमें अभी मिली हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा मूल जो प्रश्न है, पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, अभी भी बना हुआ है। अभी हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। हमारे कई साथी काफी तेजी से क्या कि इस चुनाव में हम क्या करें। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले इस चुनाव में हम अपना मत का प्रयोग जरूर करेंगे। NMOPS की पूरी टीम की ओर से, पूरे राज्य के सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि आप अपना वोट का प्रयोग करें। सबसे पहले हमें एक आदर्श वोटर बनना होगा। जब आप एक वोटर बनेंगे, तभी आप एक वोट बैंक बन सकते हैं। सारे हिसाब किताब जो है राजनीतिक दल रखते हैं कि कौन सा वर्ग जो है वोट देता है और कितने संख्या में, कितने प्रतिशत में वो अपना वोट का प्रयोग करते हैं। और ये भली बात ही सबको पता है कि एक सरकारी कर्मचारी एक मतदान कर्मी तो होते हैं, दूसरे से वोट तो दिलवाते हैं, लेकिन स्वयं अपना मत का प्रयोग नहीं करते हैं। आज हमें यह दिखाने का मौका है कि हम भी एक वोटर हैं, हम भी एक मतदाता हैं, और हमारी मांगों को भी आप गंभीरता से लें। यदि आप एक वोटर बनते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको एक वोट बैंक। सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट अवश्य दें। लोकतंत्र के इस महापर्व की हार्दिक बधाई। मित्रों, यह जो महापर्व है, मैं आपसे इस महापर्व में एक खास विनती, एक खास अपील, एक खास आग्रह, एक खास अनुरोध इसलिए करने आया हूँ कि सर्वप्रथम हम अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। हम अगर चुनाव ड्यूटी में भी है कहीं भी, तो EDC या पोस्टल बैलेट के द्वारा अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। और अपना मत का प्रयोग करने के साथ ही साथ हम अपने परिवार के सदस्यों का भी मत का प्रयोग करने के लिए अपने परिवार के आगे सदस्यों को जरूर जोहार। साथियों, हम सभी सरकारी कर्मचारी वोट कराने में तो व्यस्त हो जाते हैं, किंतु वोट करने में पीछे रह जाते हैं। मैं सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील है कि हम सभी अपने अधिकारों का उपयोग करें और मतदान करें। एक वोट से कोई फैसला, मतदान का यही हमारा मतदान ही हमारे भारत के लोकतांत्रिक भावना को जीवित बनाए रखता है, हमारी इच्छाओं के संघर्षों को एक नया आयाम देता है। अपने संघर्षों की पूर्णता के निमित्त सुरक्षित भारत को का निर्माण करें। हम सब मिलकर मतदान करें, भारत की जन भावना के साथ भारत व भारतीय संविधान का सम्मान। लोकतंत्र में हिस्सेदारी, मतदान हमारी जिम्मेदारी। हम पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, लेकिन हमारी जवाबदेही है कि हम अपना मत अवश्य डालें। वोट फॉर इंडिया और लोकतंत्र के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए हम लोग। नमस्ते सभी सरकारी साथियों से, मैं यह निवेदन करती हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता जरूर सुनिश्चित करें। न केवल निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा बने, बल्कि स्वयं भी अपने मतों का प्रयोग करें। मेरा वोट मेरी ताकत, मैं चुनाव में अपना मत का प्रयोग करूं। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान या 6 अप्रैल को होने वाले मतदान, अथवा झारखंड में जिस दिन भी जिस क्षेत्र में मतदान हो, उस क्षेत्र के हमारे साथी मतदाताओं से मेरा निवेदन है, आग्रह है, विनम्र अनुरोध है कि आप अपना मतदान अवश्य करें, आप अपना वोट अवश्य। एक विशेष निवेदन, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपना वोट जरूर करें। मैं तो इस बार अपना वोट अवश्य करूंगा। आइए सब मिलकर भारत और भारत के लोकतंत्र को। कर्मचारी मतों से आग्रह है कि मतदान अवश्य करें, मैं भी मतदान। EDC और पोस्टल बैलेट का है जो विकल्प, सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं लेता वोट करने का संकल्प। मैं तो अपना वोट दूंगा और
आप। दोस्तों, लोकतंत्र के इस महापर्व में एक सरकारी कर्मचारी के साथ साथ देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी एहसास कराएं, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और अपने वोट की चोट से ये बताएं कि सरकारी कर्मचारी। सभी कर्मचारी भाइयों से अनुरोध है कि वो अपना वोट जरूर दें। मैं अपना वोट। लोकतंत्र के महापर्व में आओ मिलकर वोट करें, वोट करना जरूरी। सभी सरकारी कर्मचारियों से और अन्य कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे निश्चित तौर से 2019 के मतदान में अपनी सहभागिता निभाएं और मतदान देकर महापर्व में एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में हम सभी सरकारी कर्मचारीगण और आप सभी को हम सभी की ओर से एक आह्वान, हम सब अपने वोट का प्रयोग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए, सशक्त सरकार को चुनने के लिए हम सभी कर्मचारीगण अपना वोट डालेंगे और अपने मत का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सब अपना वोट। सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि सभी अपना वोट अवश्य डालें और मैं अपना वोट अवश्य डालूं। कर्मचारियों से विनम्र निवेदन, आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आप चाहे जहां भी रहें, चुनाव के ड्यूटी में ही क्यों न रहें, वहां से भी EDC एवं पोस्टल बैलेट के द्वारा आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। याद रहे, मताधिकार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम मतदान करने से पीछे नहीं। बड़े हो या जवान, सभी करें मतदान। नमस्कार साथियों, विशेषकर सभी सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध है, कृपया मतदान अवश्य करें, यह आपका दायित्व है। जय इसका। चुनाव में आप भी अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आम कर्मचारियों से हमारा अपील है कि आप अपना वोट चाहे घर पे जाकर दें या बैलेट बॉक्स। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के लिए अवश्य वोट करें। अच्छे बूढ़े हो या जवान, सभी करें मतदान। मैं तो अपने मत का प्रयोग अवश्य करूंगा। सभी सरकारी कर्मचारियों से अपील है, वो अपने लिए, देश के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मतदान। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान सुनिश्चित। सभी सरकारी कर्मचारियों से मेरा आग्रह है, 2019 का लोकतंत्र पर्व में झारखंड की जनता एवं भारत देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस महापर्व लोकतंत्र में आप वोट अवश्य करें, जिससे कि मेरा लोकतंत्र की संस्थाएं। यूपी के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप अपना यूपी वोट जरूर दें और अपने संबंधियों को वोट देने के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी देश के मतदाताओं से अपील है, मतदान हमारा है अधिकार, स्वच्छंद होकर करें मतदान, बनाए एक स्वस्थ सरकार। मैं अपना मत अवश्य दूंगा। लोकसभा चुनाव 2019 के महापर्व में देश के समस्त NPS कर्मी जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के बाद हुई है, उनसे सादर आग्रह एवं विनम्र अनुरोध है कि वे अपना वोट देकर एक मजबूत लोकतंत्र एवं एक मजबूत सरकार का निर्माण कर सके, ताकि सरकार हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी नवीन पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू कर सके। मैं जिला संयोजक गुमला छात्र।